नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को विवादित बयानों के लिए भी याद रखा जाएगा। हार और जीत की जद्दोजहद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। सातवें चरण का मतदान आते आते अब विवादित बयानों का सैलाब आ गया है। हालत यह है कि वार करने वाली जुबान भी जहरीली है और पलटवार में चले जुबानी तीर भी जहर बुझे। छठे चरण का मतदान खत्म होते ही बिहार की एक रैली में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का बयान विपक्षी नेताओं को बहुत चुभ गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल और तेजस्वी के गठबंधन की तरफ इशारा साधते हुए कहा कि चाहे वोट बैंक के सामने मुजरा ही करें, लेकिन मोदी ओबीसी एससी और एसटी जातियों के आरक्षण में सेंध नहीं लगने देगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। दो बयान विरोधियों को बहुत नागवार गुजर रहे हैं। मोदी के मुजरे वाले बयान पर टिप्पणी प्रियंका गांधी ने भी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे के इस बयान पर खामोश रह गया कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 का विजन तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो 2047 तक जीवित रहेंगे? माँ गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक का शाश्वत भी रहेंगे। अगर कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं, उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। जहरीली जुबान की सबसे बड़ी जंग और आगे निकलने की होड़ तो जैसे बिहार में चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जमीन के बदले नौकरी देने वालों को जनता सबक सिखाएगी, तो जवाब तेजस्वी यादव ने जिस लहजे में दिया उसने कड़वाहट को और बढ़ा दिया। पहले मोदी और फिर तेजस्वी का बयान सुनिए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री, और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। फैसला जनता को करना है। 1 जून को एग्जिट पोल आ जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट भी जनता के सामने होगा। जीत हार का फैसला जनता करेगी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादा में जहरीले बयानों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लोकसभा के परिणाम से पहले एक बार फिर से विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का दावा है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं जिससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम पर उठ रहे सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? लो
लोकसभा चुनाव में सातवें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। Lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there's no possibility of tampering. That's all, nothing more than that. We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Like any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमेरिका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है, हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं। ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते हैं, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठा उठाकर, चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कठघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। चलिए बढ़ते आगे और बात वैभव कुमार की। स्वाति मालीवाल से पिटाई और बदसलूकी मामले में अभी अंदर ही उनको रहना पड़ेगा। वैभव ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे आज 30,000 कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब अभी अगले आदेश तक वैभव को जेल के अंदर ही रहना होगा। केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति की पिटाई और बदसलूकी का आरोप है, जिसके बाद 18 मई को दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आज की सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी और एक समय ऐसा भी आया कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट में स्वाति का सीएम हाउस से बाहर निकलने का वीडियो दिखाया जा रहा था, तो वैभव के वकील जज को एफआईआर के बारे में बता रहे थे, स्वाति रोने लगी। और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज से ठीक 5 दिन के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर दी है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक नई याचिका में अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते तक बढ़ाने की मांग की गई और इसके लिए यह तर्क दिया गया कि केजरीवाल की तबीयत ज्यादा खराब है, उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके लिए उनको पेट स्कैन समेत कई जांचें कराने की दरकार है। आप नेता आतिशी ने केजरीवाल की तबीयत खराब होने का हवाला दिया, तो वहीं बीजेपी ने इस पर सवाल भी उठाए। वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। भ्रष्टाचारियों की जगह वहीं होनी चाहिए जहाँ कानून तय करता है, और अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो ऐसे लोग जिनके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, ऐसे लोगों के खिलाफ
कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए साहब, ये उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको राहत दी थी कि वो कैंपेन कर सके, तो वो वाला मुद्दा तो अब चलेगा नहीं। हाँ, आपको आपको हेल्थ के हिसाब से कुछ आपको करवाना, वो अलग बात है, वो एक अलग बेल उनको मूव करनी चाहिए। पुणे पोर्श कार हिट एंड रन मामले में एक सनसनी